तो भाई लोग, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में जो बिग बैश लीग 2023 एंड 24 का नॉकआउट मैच खेला जाएगा, पता है कहां पे खेला जाएगा? पर्थ स्टेडियम, पर्थ में। ये तो बोलोगे कि हाँ यार मुझे तो पता ही था, लेकिन ये नहीं पता होगा आज के मैच में कैप्टन किसको करना है, वाइस कैप्टन कहाँ पे करना है। बोलोगे कहाँ पे? अरे अपनी फंटेसी क्रिकेट यानी ड्रीम इलेवन की टीम में। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कैप्टन किसको करना, वाइस कैप्टन किसको करना है, 22 खिलाड़ियों में से कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ अपनी फंटेसी क्रिकेट की टीम बनानी है, जिससे हम और आप फंटेसी क्रिकेट की जो विनिंग टीम है उसे बना सके, जैसा थंबनेल में देखा हो, ग्रैंड लीग उड़ा सकते हैं। तो भैया अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, इस बात की गारंटी है कि जो ग्रैंड लीग होगी ना, वो अपने किसी एक बंदा जीतेगा, या जो आप जीतोगे या तो मैं जीतूंगा, हम में से कोई एक जीतेगा, कहीं बाहर नहीं जाने वाले। तो पूरी वीडियो देखें, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं बताऊंगा कौन ज़्यादा पॉइंट्स देगा, कौन कम पॉइंट्स देगा, किसको बाहर करना है, किसको टीम में रखना है, किसको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है, और साथ में जो ड्रीम इलेवन की टीम बना के दूंगा ना, बड़ी खतरनाक वाली टीम बना के दूंगा। बस एक छोटी सी टिप्स बताऊंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ग्रैंड लीग अपन ही जीतेंगे, कोई बाहर वाला बंदा नहीं जीतेगा। चलो फिर जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर हम यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो इनके खेमे में मुझे लगता है निक हॉबसन की जगह पे अगर जे रिचर्डसन पूरी तरह से अवेलेबल रहे तो वो खेल सकते हैं, बाकी की जो टीम है बिल्कुल सेम रहने वाली है। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें, अगर क्रिस लिन अवेलेबल होंगे तो एडम होज की जगह पे वो आ जाएंगे, बाकी की जो टीम है बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो भैया हमने यहाँ पे ना दोनों टीम के प्लेइंग इलेवन जान ली। अगर कोई चेंज बाय द वे और होना होगा, दो चार चेंज, मतलब क्रिस लिन अवेलेबल रहेंगे या जे रिचर्डसन अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, जो फाइनल प्लेइंग इलेवन होगी ना वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है मैच स्टार्ट होने के 2 से 3 घंटे पहले, और साथ में इस मैच की ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम भी तो मिलेगी, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन, कहाँ पे? मेरे टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है ना वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, अफसा बिन फंटेसी के नाम से भाई का टेलीग्राम है। तो आपको करना क्या है, या तो अभी ज्वाइन कर लो या तो वीडियो खत्म होने के बाद आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर आपको इस मैच की 2-3 विनिंग टीम चाहिए, किसके? ड्रीम इलेवन की। तो अगर हम यहाँ पे पर्थ स्टेडियम की बात करें तो भाई लोग 35 T20 डोमेस्टिक के मैच खेले गए, 18 मैच में टारगेट चेज, 17 मैच में टारगेट डिफेंड, सॉरी 18 मैच में टारगेट डिफेंड, 17 मैच में टारगेट चेज। तो मतलब यहाँ पे चेज और डिफेंड की जो कहानी है ना वो तो बिल्कुल बराबर की दिख रही है। तो भैया चाहे पहले बैटिंग करो बाद में बैटिंग करो, पिच एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। एवरेज स्कोर है 165, मतलब मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। तो इस हिसाब से बल्लेबाजों गेंदबाजों को ना अपनी टीम में थोड़ा सा बैलेंसिंग तरीके से जगह देनी होती है। अगर हम इस मैदान के हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 213 रन जो कि पर्थ स्कॉचर्स के नाम पर है, लोएस्ट स्कोर है यहाँ पे 79 ऑल आउट, ये भी पर्थ स्कॉचर्स के ही नाम पर है। अगर हम यहाँ के मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें 197 रन, जिसे सिडनी सिक्सर्स ने पर्थ स्कॉचर्स के सामने 2024 यानी जो पिछला मैच था उसी में किया था। लोएस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 157 रन, जिसे मेलबर्न रेनेगेड्स ने पर्थ स्कॉचर्स के सामने किया था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 8 बार स्कोर बन चुका है, 150 से 169 के बीच में 8 बार स्कोर बन चुका, 170 से 189 के बीच में 13 बार स्कोर बन चुका, 190 या इससे ज़्यादा फर्स्ट इनिंग में 6 टाइम स्कोर बना है। तो स्कोरिंग पैटर्न देखने के बाद क्या लग रहा है भैया, यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच होते हैं, हाई स्कोरिंग भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ का जो सरफेस है वो ग्रोस है, जिसकी वजह से होता क्या है कि शुरू में तेज़ गेंदबाजों को हेल्प मिलती है, लेकिन जब एक बार बॉल की साइनिंग खत्म हो जाती है तो जो बॉल होता है ना बैट पर अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। लेकिन बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 64 मीटर से 83 मीटर की है, तो मतलब ठीक ठाक यहाँ की बड़ी बाउंड्री है, तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना उनके सामने भी इतने आसानी से चौके छक्के नहीं लगते, इसलिए अक्सर आपको ना यहाँ पे मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। कभी कभी हाई स्कोरिंग भी हो जाता है, कभी कभी लो स्कोरिंग हो जाता है, जब ज़्यादा विकेट गिर जाते तो लो स्कोरिंग, सीधा सा चक्कर है ज़्यादा विकेट तो लो स्कोरिंग, शुरू में विकेट ना गिरे रन भी बन गया तो हाई स्कोरिंग, वैसे ज़्यादातर मीडियम स्कोरिंग होता है। आज का भी जो मैच होगा वो मीडियम स्कोरिंग मैच ही होगा, तो ऐसी पिच पे कौन सा प्लेयर बढ़िया रहेगा चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टीवी स्कैनजी की, जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में सिर्फ 203 रन बनाए, तो मतलब जो इनकी फॉर्म है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने एक मैच खेला भाई साहब ने, 17 रन बनाए, तो इस मैदान मतलब एडिलेड के सामने जब खेला था तो कुछ खास ना उखाड़ पाए थे। 8 मैच खेला है
पर्थ के मैदान पे 196 रन बनाए थे, मतलब इस मैदान पे भी इनके जो आंकड़े हैं बहुत सुस्त मुर्गी वाले हैं। और वेस अगर के सामने थोड़ा सा फंसते भी हैं तो मुझे लगता है स्टीव स्कैनजी खेलेंगे तो ज़्यादा कुछ ना कर पाएंगे, 10-15-20 या बहुत ज़्यादा 25, इतने में निपट जाएंगे तो बहुत अच्छा पॉइंट्स ना देंगे कौन, स्टीव स्कैनजी। तो इनको बाहर करो, नहीं रखते आज के मैच में अपनी टीम में। वहीं बात करें अगर हम यहाँ पे सैम व्हाइटमैन की, तो आखिरी के 10 मैच में 184 रन बनाए, इनकी जो हालत है वो तो स्टीव स्कैनजी से भी खराब है और भी खराब इनकी परफॉर्मेंस है। 6 मैच खेला एडलीड के सामने, 76-76 बनाए थे, एडलीड के भी सामने कुछ खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। 14 मैच खेला पर्थ के मैदान पे, 239 रन बनाए, तो पर्थ के मैदान पे भी उतनी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक सैम व्हाइटमैन नहीं कर पाए। हेनरी थॉर्टन, मैथ्यू शॉर्ट एंड कैमरून बॉयज के सामने ये थोड़ा सा फंसते हैं भाई साहब, कौन सैम व्हाइटमैन। मुझे लगता है व्हाइटमैन का व्हाइट वॉश हो जाएगा, नहीं चलेंगे 5-10-15, ये भी बहुत ज्यादा 20 इससे ज्यादा ना बना पाएंगे। तो सैम व्हाइटमैन को भी आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी। एरॉन हार्डी की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 328 रन बनाए, साथ में 5 विकेट निकाले, तो बल्ला इनका सभी मैचों में चल रहा, 30-35-40-50 सभी मैचों में बना जाते हैं और साथ में एक आता विकेट भी चटका देते हैं कभी कभी, हर दिन नहीं। 164 रन बना चुके हैं एडलीड के सामने, 6 विकेट ले चुके हैं, तो इसे मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा। 21 मैच खेला, 478 रन बनाए, 8 विकेट निकाला, कहां पे, पर्थ स्टेडियम में, तो मतलब इस मैदान पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस एडलीड के लिए। एरॉन हार्डी कर देते हैं, बाकी वेस अगर हेनरी थॉर्टन एंड कैमरून बॉयज के सामने थोड़ा सा फंसते हैं कौन, एरॉन हार्डी, लेकिन इनको ना आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जगह देने के साथ साथ ना एरॉन हार्डी को कैप्टन या वॉइस कैप्टन करो, क्यों करो, क्योंकि मुझे लगता है आज ना 50-60-70 की पारी खेल सकते हैं और गेंदबाजी करते हुए एक आता दो विकेट चढ़का सकते हैं, मतलब बल्ले से भी पॉइंट्स देंगे, गेंद से पॉइंट्स देंगे, इसे कहते हैं ना भैया सोने पे सुहागा, मतलब इनको टीम में रखो, रखने के साथ साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर डालो। बात करें अगर हम यहाँ पे जॉस इंग्लिश की, आखिरी के 10 मैच में 256 रन बनाए, जॉस इंग्लिश को शुरुआत सभी मैच में मिले, 20-25-30 की पारी खेल रहे हैं लेकिन उसे लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 298 बना चुके हैं एडलीड के सामने, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। पर्थ के मैदान पे 26 मैच खेला, 781 रन बनाए, तो मतलब इस मैदान पे जो जॉस इंग्लिश के आंकड़े हैं ना वो थोड़ा सा बेहतर है, मतलब इस मैदान पे अगर 25-26 की शुरुआत मिल जाती है तो उसको लंबी पारी में तब्दील कर देते हैं जॉस इंग्लिश भाई साहब। ब्रेंडन टकट, हेनरी थॉर्टन और लियोड पोप, इन तीनों के सामने ये थोड़ा सा फंसते हैं लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना ये फिर से आपको 40-50-60 की पारी खेल के जाएंगे और साथ में विकेट कीपिंग भी करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे तो वहां से भी आपको ठीक ठाक पॉइंट्स दे सकते हैं, इसलिए जॉस इंग्लिश को भी अपनी टीम में रखें, रखने के साथ साथ ना इनको भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप बोलोगे साला पागल है, पहले दो बल्लेबाज को बोला रखना नहीं है, अगले दो बल्लेबाज को बोला रखना है, तो दोनों को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना, वही इसमें पागल वाली क्या बात होगी, सही तो बता रहा हूं, दोनों बढ़िया पॉइंट्स देंगे तो दोनों को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी अगर हम यहां पर लॉरी एवेंस की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 317 बनाए, 3 हाफ सेंचुरी के साथ, तो मतलब पांचवे नंबर पे 3 हाफ सेंचुरी लगाना, 317 बनाना, लौंडे में दमखम है भैया, अच्छा खेल रहा है। 3 मैच खेला, 148 रन बनाए एडलीड के सामने, जो पिछला मैच खेला था ना उसमें 80-80 रन मारा था 28 बॉल पे, क्या खतरनाक पारी खेली थी। 14 मैच खेला है, 447 रन बनाए, 4 हाफ सेंचुरी के साथ, कहां, पर्थ स्टेडियम में, मतलब इस मैदान पे भी ना जो लॉरी इवेंस है इनका बल्ला सल्ला चलता रहता है। वेस अगर कैमरून बॉयज एंड जैमी ओबर्टन के सामने थोड़ा सा ये फंसते हैं लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की फॉर्म में ना फिर से 40-50-55 मतलब 40-60 के बीच में फिर से पारी खेल के फिर से आपको बढ़िया पॉइंट्स देंगे, तो लॉरी एवेंस को भी ना आज के मैच में अपनी टीम में जगह दे दो। दे दी लॉरी एवेंस को जगह, बहुत बढ़िया। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कूपर कॉनली की, जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में 158 रन बनाए, 5 विकेट निकाला, थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करते इसलिए थोड़ा सा कम आता है, गेंदबाजी भी बहुत ही कम करते हैं। 2 मैच खेला, 37 रन बनाए, विकेट का खाता ना खुला एडलीड के सामने, 1 में बल्लेबाजी आई थी शायद में एक आई भी ना। 5 मैच खेला है, 90 रन बनाए, 0 विकेट, कहां पे, पर्थ स्टेडियम के मैदान पे, क्योंकि शुरू के 1-2 मैच में तो ओपन भी करी थी लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा सा 5-6 नंबर पे खेलने लगे, 5-6 नंबर पे खेलने लगे। डेविड पियान के सामने थोड़ा सा कूपर कॉनली फंसते हैं लेकिन मुझे लगता है ना कूपर कॉनली को टीम में जगह दे देनी चाहिए, क्यों दे देनी चाहिए, क्यों, मुझे लगता है 30-35 की पारी, ज्यादा लंबी नहीं लेकिन 30-35 मतलब 20-40 के बीच में पारी खेल सकते हैं, अगर गेंदबाजी करी तो क्या पता तुक्का लगा के एक आता विकेट भी निकाल ले, तो मतलब थोड़ा सा रिस्की है लेकिन फिर भी इनको टीम में जगह दे सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये पॉइंट्स ठीक ठाक दे देंगे कौन, कूपर कॉनली। बाकी निक हॉब्सन की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 164 रन बनाए जो कि अच्छा तो ना है, अबे 7वें नंबर पे खेलेंगे तो रन कहां से बनेगा, 1 मैच खेला एडलीड के सामने सिर्फ 4 रन बना पाए, आंकड़े खराब। 8 मैच खेला पर्थ के मैदान पे, 135 रन बनाए, कैमरून बॉयज के सामने फंसते हैं, बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं, निक हॉब्सन अगर खेलेंगे तो ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे, 2-4-5 रन या तो हो सकता है बल्लेबाजी का नंबर ना है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है निक हॉब्सन आपका मतलब होप
अच्छा ना कर पाएंगे तो इनको बाहर करो, नहीं रखते आज के मैच में अपनी टीम में। बाकी अगर हम यहाँ पे एस्टन एगा की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 48, 48 रन 9 विकेट, चलो बल्लेबाजी हटा दो कहोगे नंबर नहीं आता, लेकिन गेंदबाजी भी एस्टन एगर बहुत अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। 81, 81 रन 12 विकेट एडिलेड के सामने ले चुके हैं, तो ठीक ठाक विकेट ले चुके हैं लेकिन रन नहीं है क्योंकि बल्लेबाजी थोड़ा सा नीचे करते हैं। 24 मैच खेला, 211 रन बनाए, 26 विकेट निकाले कहां पे, पर्थ स्टेडियम में, मतलब इस मैदान पे एक आधा विकेट एस्टन एगर को मिल जाता है, ज्यादा नहीं मिलता। आज के भी मैच में हो सकता है एक आधा विकेट मिल जाए, ज्यादा नहीं मिलेगा, तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स एस्टन एगर आज के मैच में नहीं देंगे, तो एस्टन एगर को टीम में जगह मत दो। बाकी अगर हम यहाँ पे एंड्रू टाई की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 15 विकेट चटकाए किसने, एंड्रू टाई ने 10 मैच 15 विकेट, मतलब ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहा है। 21, 21 विकेट ले चुके हैं एडिलेड के सामने, रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है। 25, 25 मैच खेला, 37, 37 विकेट चटकाए कहां पर, यहां के मैदान पे, मतलब पर्थ स्टेडियम पे, मतलब पर्थ के मैदान पे बढ़िया गेंदबाजी करते हैं कौन, एंड्रू टाई। और मुझे लगता है आज के मैच में ना एंड्रू टाई 2-3 विकेट तो ले जाएंगे, मतलब बढ़िया गेंदबाजी करेंगे, तो एंड्रू टाई को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह दे देनी चाहिए, तो दे दिया इनको जगह, बहुत बढ़िया। अभी बात कर लेते हैं जैसन बैरनडॉर्फ की, तो आखिरी के 10 मैच में 17 विकेट चटकाए, यानी जो इनकी करंट फॉर्म है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, 18 विकेट ले चुके हैं एडिलेड के सामने, यहाँ पे भी रिकॉर्ड अच्छा है इनका। 26, 26 मैच खेला, 39, 39 विकेट चटकाए पर्थ के मैदान पे, मतलब इस मैदान पे ना गेंदबाजी बढ़िया करते हैं, और भैया इस सीजन करके दिखाई भी है, तो इनको भी टीम में रखो क्योंकि ये भी बढ़िया गेंदबाजी करके 2-3 विकेट चटकाएंगे, आपको बढ़िया पॉइंट्स देंगे, तो इनको टीम में रख लो। बाकी अगर हम यहाँ पे लेंस मॉरिस की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 16 विकेट चटकाए, तो इनकी भी जो कहानी है यानी करंट परफॉर्मेंस है बढ़िया चल रही, 9 विकेट चटकाए एडिलेड के सामने, जो पिछला एक दो मैच खेला था, मतलब इस मैदान पे पिछला मैच खेला था एडिलेड के सामने, उसे 5 विकेट ले डाला था इन भाई सामने। 12 मैच खेला, 22, 22 विकेट चटकाए पर्थ के मैदान पे, इस मैदान पे भी इनके आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर ये खेलेंगे ही मुझे लगता है एक आधा विकेट मिलेगा, ज़्यादा विकेट इनको ना मिलेगा, किसको, लेंस मॉरिस को, हो सकता है थोड़ा सा ना आज इनकी पिटाई हो जाए, तो लेंस मॉरिस को आज के मैच में टीम में जगह नहीं देनी। बात करें अगर जे रिचर्डसन अगर खेलते हैं, जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में 13 विकेट चटकाए, 10 मैच 13, मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे जब खेल भी रहे थे, मतलब विकेट कम मिल रहे थे, 17 विकेट ले चुके हैं एडिलेड के सामने, तो आंकड़े थोड़ा सा बेहतर हैं। 23 मैच खेला, 31 विकेट निकाले पर्थ स्टेडियम पे, मतलब इस मैदान पे खेलते थे 1 या 2 विकेट मिलता है, तो अगर जे रिचर्डसन खेलेंगे तो एक आधा विकेट मिलेगा, ज्यादा विकेट इनको भी ना मिलेगा, किसको, जे रिचर्डसन को, तो भी जे रिचर्डसन को भी ना आज के मैच में अगर खेलते तो टीम में जगह मत दो, बाहर ही रखना इनको। बाकी अगर हम यहाँ पे मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 540 रन बनाए, 6 हाफ सेंचुरी के साथ, भाई साहब ने 5 साथ में 5 विकेट भी लिए, तो भैया ये होती है परफॉर्मेंस, क्या गजब की परफॉर्मेंस कर रहे हैं मैथ्यू शॉर्ट। 369 रन बना चुके हैं किसके, पर्थ के सामने, 7 में 6 विकेट भी ले चुके हैं, तो बढ़िया कर चुके हैं पर्थ के सामने पहले भी। 4 मैच खेला है, 170 बनाए पर्थ स्टेडियम में, 2 हाफ सेंचुरी के साथ 2 विकेट भी लिए, मतलब हर दूसरे इनिंग में पर्थ के मैदान पे बड़ी पारी खेल देते हैं कौन, मैथ्यू शॉर्ट। जैसन बैरनडॉर्फ, एंड्रू टाई एंड लेंस मॉरिस के सामने फंसते जरूर है, लेकिन तब तक ना अपना काम कर जाते हैं, मुझे लगता है आज के मैच में ना फिर से भैया 70, 80 या 90 की भी पारी खेल दे, साथ में गेंदबाजी करेंगे, विकेट तो एक आता ले जाएंगे, मतलब इतना बढ़िया पॉइंट्स आज के मैच में देंगे। अगर आपने मैथ्यू शॉर्ट को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ना किया तो आप पछताओगे यार, क्यों ना किया, तो मैथ्यू शॉर्ट को टीम में रखें, साथ में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी कर ले। बाकी बात करें डी आर की शॉर्ट की, तो आखिरी के 10 मैच में 286 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरी के साथ। डी आर की शॉर्ट का ये होता है या तो 5-10 रन बना के निपट गए या तो फिर खेलते हैं लंबी पारी, अगर इनको शुरुआत मिल जाती है तो। 421 रन बना चुके हैं किसके, पर्थ के सामने, तो पर्थ के सामने भी आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर है डी आर की शॉर्ट का। 4 मैच खेला, 114 रन बनाए कहां पे, पर्थ के मैदान पे, तो मतलब पर्थ के मैदान पे ठीक ठाक, मतलब 30-35 की पारी खेल देते हैं, हालांकि बहुत लंबी भी नहीं खेल पाते। एंड्रू टाई, जे रिचर्डसन एंड जैसन बैरनडॉर्फ के सामने डी आर की शॉट भी थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना इनको भी टीम में जगह देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है डी आर की शॉट बहुत लंबी पारी नहीं, लेकिन 30-35, 40-45, मतलब 30 से 50 के बीच में ना ये आज के मैच में रन बना सकते हैं, तो ठीक ठाक पॉइंट्स देंगे, तो इनको भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह दे देनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्रिस लिन की, अगर वो प्लेइंग 11 में होंगे तो उनको रखना, क्यों रखना, मैं बता रहा हूं, पहले आंकड़े तो देख लो क्रिस लिन के, आखिरी के 10 मैच में 436 रन बनाए 4 हाफ सेंचुरी के साथ, यानी जो करंट परफॉर्मेंस है क्रिस लिन की काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी पर्थ के सामने 730 रन बना चुके हैं, मतलब पहला है कोई खिलाड़ी होगा जो पर्थ के सामने इतना ज्यादा रन ठोकता है, मतलब पर्थ वालों की तो क्रिस लिन ले ही लेते हैं।
चार मैच खेला पर्थ स्टेडियम में, कितने चार 201 रन बनाए दो हाफ सेंचुरी के साथ, मतलब इस मैदान पे ना 50 प्लस का एवरेज है किसका, क्रिस लिन का। एंड्रू टाय, जैसन बेरेंडोव एंड एस्टर अगार के सामने फंसते तो जरूर है लेकिन तब तक ना अपना काम कर जाते हैं, तो अगर क्रिस लिन खेलेंगे तो क्रिस लिन, अगर मैथ्यूसॉर्ड उधर से नहीं चलेंगे तो मैथ्यूसॉर्ड का काम क्रिस लिन करेंगे, मतलब 70-80-90 रनों की पारी। तो क्रिस लिन अगर खेलते हैं तो क्रिस लिन को टीम में रखें, क्रिस लिन को कैप्टन या वाइस कैप्टन करें, या तो मैथ्यूसॉर्ड को करें या तो क्रिस लिन को, दोनों में से किसी एक को करें। अगर दोनों को भी कर देते हो, दो चार टीम बनाते हो तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन दोनों में से किसी एक को तो 100% कैप्टन या वाइस कैप्टन करना, अगर दोनों को करोगे तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एडम हाउस की बात करें, आखिरी के 10 मैच में 169-159 रन बनाए, मतलब जो करंट परफॉर्मेंस है बहुत ही खराब है, अगर क्रिस लिन फिट होंगे तो ये खेलेंगे भी नहीं। चार मैच खेला 61-61 रन बनाए, पर्थ स्टेडियम पे दो मैच खेला 31-31 रन बनाए थे भाई साहब ने। लेंस मॉरिस, जे रिचर्डसन एंड एस्टन अगार के सामने ये थोड़ा सा फंसते हैं, अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत अच्छा, अगर खेलते हैं ना तो एडम हाउस को टीम में मत रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आज के मैच में कुछ कर पाएंगे, 2-4-5-10 रन बना के निपट लेंगे, तो एडम हाउस को टीम में जगह मत दो। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें थॉमस कैली की, आखिरी के 10 मैच में 172 रन बनाए, क्योंकि पांचवें छठवें नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं तो तब तक उतनी बोले इनको मिलती नहीं है, किसको, मैथ्यू कैली की। तीन मैच खेला 39 बनाए, किसके, पर्थ के सामने, क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं भैया ये। और एक मैच खेला 29-29 रन बनाए पर्थ के मैदान पे, जो मतलब पिछला पर्थ पे मैदान खेला था उसमें नंबर आया था, हार गए थे, 29 रन बनाए लगे हुए थे लेकिन मैच ना जीता पाए टीम को। एंड्रू टाय एंड मैथ्यू केली के सामने ये थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज ना थॉमस कैली को अपनी टीम में जगह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 2-4-5-10 रन बना के चले जाएंगे, हो सकता है बल्लेबाजी का नंबर ही ना है, जब नंबर नहीं आएगा तो रन कहां से बनाएंगे, तो इनको बाहर ही करो, नहीं रखते आज के मैच में अपनी टीम में। बाकी अगर हम यहाँ पे जैमी ओवरटन की बात करें, तो आखिरी के 10 मैच में 113 रन बनाए, 17 विकेट निकाला, गेंदबाजी सभी मैचों में जबरदस्त कर रहे हैं, बल्लेबाजी 5 मैच में से एक आता मैच आती है, 10 मैच में से 2-3 मैच तो 30-35 की पारी भी जैमी ओवरटन खेल देते हैं। दो मैच खेला पर्थ के सामने, 1 रन बनाया, 2 विकेट निकाला, मतलब एक ही मैच नंबर आया उसमें सिर्फ एक ही रन बना पाए थे। एक मैच खेला है पर्थ के मैदान पे, 1 रन बनाया, विकेट का खाता ना खुला था, मतलब इस मैदान पे जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई इनकी। लेंस मॉरिस के सामने जैमी ओवरटन आउट हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में जैमी ओवरटन 2-3 विकेट लेके जाएंगे, बल्लेबाजी मुश्किल है, अगर आएगी ना तो 30-35 रन ठोक भी देंगे, अगर जैमी ओवरटन की बल्लेबाजी है तो 30-35 रन, नहीं तो 2-3 विकेट ले जाएंगे, इसलिए जैमी ओवरटन को टीम में रखना, लेकिन साथ में अगर 2-4 टीम बनाते हो तो एक आधा टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी करना, क्योंकि 2-3 विकेट लेंगे वहां से पॉइंट्स देंगे, अगर बल्लेबाजी आई तो 30-35 रन भी ठोक देंगे, तो मतलब अगर बल्लेबाजी आई तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन मतलब पूरा पॉइंट्स देके जाएंगे, तो जैमी बटन को टीम में तो रखना ही है, साथ में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी इनको ट्राई कर सकते हैं आप। हैरी नेल्सन की बात करें, तो आखिरी के 10 मैच में 56 रन, 10 मैच में से मुझे लगता है 3-4 में बल्लेबाजी आई होगी भाई साहब की, नहीं तो बल्लेबाजी आती नहीं, सिर्फ विकेट कीपिंग करते हैं। 6 मैच खेला पर्थ के सामने, 41-41 रन, वही बल्लेबाजी का नंबर आता नहीं इनका। 2 मैच खेला 21 रन बनाए पर्थ के मैदान पे, जब नंबर नहीं आएगा तो भैया रन कहां से बनाएंगे, अपने घर से थोड़ी रन लेके आएंगे, जब मैदान पे भेजोगे तभी रन बनाएंगे। एरोन हार्डी एंड एस्टन अगार के सामने फंसते हैं, लेकिन हैरी नेल्सन को टीम में जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि विकेट कीपिंग में मानता हूं बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सिर्फ विकेट कीपिंग से कितना ही पॉइंट्स देंगे यार, तो बल्लेबाजी का नंबर आता नहीं, तो हैरी नेल्सन को रहने दो, नहीं रखते आज के मैच में अपनी टीम में जगह। बाकी बात करें हेनरी थॉर्टन की, तो आखिरी के 10 मैच में 13 विकेट निकाला हेनरी थॉर्टन, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है ऐसा भी नहीं कहेंगे। 8 विकेट ले चुके पर्थ के सामने, जबकि ज्यादा मैचेस नहीं खेले। 2 मैच खेला, 3 विकेट चटकाए, कहां पर, पर्थ स्टेडियम पे, तो मुझे लगता है इस मैदान पे भी ठीक ठाक करिए, लेकिन बहुत अच्छी नहीं करी। लेकिन हेनरी थॉर्टन मुझे लगता है 1-2 या 3, मतलब 2-3 विकेट ये चटका सकते हैं आज के मैच में, कौन, हेनरी थॉर्टन, तो हेनरी थॉर्टन को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। डेविड पियान की बात करें, तो आखिरी के 10 मैच में 12-13 विकेट इन्होंने भी चटकाए, तो इनकी भी जो करंट परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डगमगाई हुई है। 2 मैच खेला पर्थ के सामने, सिर्फ 2 ही विकेट निकाला, तो पर्थ के सामने आंकड़े अच्छे नहीं है। 6 मैच खेला, 8 विकेट निकाला, कहां, पर्थ के मैदान पे, क्योंकि पिछले सीजन पर्थ की टीम से ही खेला करते थे, लेकिन मुझे लगता है डेविड पियान को ना एक आधा विकेट मिलेगा, ज्यादा ना मिलेगा, थोड़ा सा ये भाई साहब महंगे साबित हो सकते हैं, तो डेविड पियान को आज अपनी टीम में जगह मत दो। कैमरून बॉयज की बात करें, तो आखिरी के 10 मैच में 12 विकेट, 10 मैच 12 विकेट अच्छा है ना जी, बिल्कुल भी अच्छा ना है। 9 विकेट ले चुके पर्थ के सामने, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। पर्थ के मैदान पे 3 मैच खेला, बस 2 विकेट चटकाए। देखो भैया, कैमरून बॉयज की कहानी ये होगी, अगर 2 टीम बना रहे, 3 टीम बना रहे हैं, एक आधा टीम में जगह दे देना, अगर 1 टीम बना रहे हो तो कैमरून बॉयज को आप देवी जगह दे सकते हो, नहीं भी ले सकते, बाहर भी अपनी फंटेसी क्रिकेट की टीम से रख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है 1-2 विकेट लेंगे, किस्मत अच्छी हुई तो 3, नहीं तो 1-2 ले जाएंगे, तो इस बिहाब पे अगर एक आध
अगर दो तीन टीम बना रहे तो एक आधा टीम में कैमरून बॉयज को जगह दे देना। बाकी लियोट पॉप की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 14 विकेट चटकाए, तो मतलब आखिरी के 10 मैचों में ठीक ठाक गेंदबाजी लियोट पॉप ने करी है। 4 मैच खेला, 6 विकेट चटकाए पर्थ के सामने, तो मतलब पर्थ के सामने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी है। पर्थ के मैदान पे 1 मैच खेला, 2 विकेट चटकाए, तो ठीक ठाक। तो लियोट पॉप 2-3 विकेट चटका सकते हैं आज के इस मैच में, तो लियोट पॉप को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। दे दिया लियोट पॉप को जगह, बहुत अच्छा किया। बाकी तो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में जान लिया ना, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्यों होगा फ्लॉप। तो उम्मीद है इस वीडियो से ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी फैंटेसी क्रिकेट के टीम बनाने में। उम्मीद क्या मिलेगी हेल्प, बाकी मेरी टीम का इंतजार कर रहे हो तो जी हाँ, ये रही मेरी टीम। जो मैंने टीम बनाई है ना, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई है। अगर आप इसके साथ जाओगे ना, आपके विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। बाकी जो मैं बताऊँ, एक टिप्स बोला था दूंगा ना, जिससे आप ग्रैंड लीग उड़ा सकते हो, तो भैया सभी लोग इस टीम के साथ जाएंगे, लेकिन एकाधा दो खिलाड़ी ना ऊपर नीचे आप कर लेना, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यकीन मानिए, अगर एक दो खिलाड़ी अगर आपने ऊपर नीचे सभी ने कर लिया, क्योंकि सभी प्लेयर्स की मैंने परफॉर्मेंस बता दी ना, कौन ज़्यादा पॉइंट्स देगा कौन नहीं देगा, तो उसके हिसाब से एकाधा दो खिलाड़ी ऊपर नीचे कर लेना, यकीन मानिए आप या हम, मतलब हम में से कोई ग्रैंड लीग उड़ा कर लेकर आएगा। बाकी अगर आपको इस मैच की 2-3 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम चाहिए, तो आपको ना मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स है सबसे पहला कमेंट है वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी। अब इन फंटेसी के नाम से भाई का टेलीग्राम है। मैच स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आपको इस मैच की 1 नहीं 2 नहीं 3-3 ड्रीम इलेवन की टीम मिलती है, तो फटाफट जाओ ज्वाइन कर डालो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।